अब बात करते हैं राजस्थान के टोंक के निवाई की, जहां निवाई में पिछले दिनों की तुलना में लगातार कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ रही है। समस्या को लेकर लोगों ने क्षेत्रीय विधायक प्रशांत पैरवा उपखंड प्रशासन को मामले से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। बता दें एक बार फिर किशोरी पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। पिछले दिनों 12 वर्षीय बालिका को कुत्ते ने हमला कर मौत के घाट उतारा था और उसके बाद एक बार फिर एक किशोरी पर कुत्ते के हमले का वीडियो सामने आया है। बता दें कि कुत्ते के हमले से किशोरी साहिला पुत्री हकीम गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल को अस्पताल भी पहुंचाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अब तक प्रशासन ने मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया है। खेचने की घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लापरवाही है। और अभी हमने नगर पालिका ईओ से भी बात की, संबंधित ग्राम पंचायत से भी बात की। पिछली बार भी संबंधित ग्राम पंचायत को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। अब इन लोगों ने बताया कि घटना वापस ऑलमोस्ट सेम ही जगह पर हुई है, तो बिल्कुल खेचने के। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज इस चीज़ का सलूशन कर पाऊँ। मैं कह रही हूँ खेचने के घटना क्या कह सकते हैं, लापत सुधारने की कोशिश आज ही हो जाएगी। एसडीएम से आपके तो घर में ही कोई मौत होगी, इस वजह से उनका फोन ऑफ आ रहा था और मैं यहाँ पहुँच ही गई हूँ। अब देखती हूँ जल्दी कुछ कर। सर हमारे वहाँ पहले 10-15 दिन पहले भी यही घटना हुई थी, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया है। और आज भी ये सुबह ही बच्ची टहलती फिरने गई थी, जो मतलब 8:30 या 9:15 की बात है, जो 10-12 कुत्ते हैं वो उन्होंने वहीं बच्ची को पकड़ लिया और बुरी तरह गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो हम तुरंत यहाँ निवाई हॉस्पिटल ले गए और इन्होंने 1-2 इंजेक्शन लगा के जिला टोंक चिकित्सा हॉस्पिटल रेफर कर दिया। बच्ची का नाम साहिला है सर, तीन है, बच्ची का नाम साहिला है अभी जी। मैं मुकेश ललवाड़ी, निवासी ललवाड़ी, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में ललवाड़ी में विगत दिनों से कई बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आवारा कुत्ते जो नरभक्षी है वो कई प्रकार से बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। 15-16 वर्ष के बच्चों को शिकार बना रहे हैं। इसके लिए विगत दिनों में हमने विधायक महोदय, तहसीलदार जी, LDM साहब को भी अवगत करवाया था, आज कलेक्टर साहब को भी अवगत करवा दिया। अब भी LDO साहब को जब हमने अवगत करवाया तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, जिसको लेके हमारे क्या नाम से हम ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण लोग आक्रोशित है। और अगर हमको प्रशासन ने हमारी मदद नहीं करता, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन हो, तो हम अभी जिस बच्ची को टोंक रेफर किया है तो हम जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर आक्रोशित रूप में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम प्रशासन के खिलाफ धरना देंगे और कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग पीछे गाड़ियों में आ रहे हैं। अभी हम इस बालिका को जिला चिकित्सालय टोंक लेके जा रहे हैं।